हेलो दोस्तों दिस इज़ विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट इस एक्सप्लेन जहाँ हम कोई एक कहानी लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं और आज की कहानी यहाँ से शुरू होती है आपने गाना तो सुना होगा धरती सुनहरी अमर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा टू बी फ्रैंक ऐसा ही देश है हमारा जहाँ पे हर मौसम रंगीला है बिकॉज इतनी विभिन्नता है हमारी कंट्री में और दूसरा काफ़ी सुनहरा है ये कंट्री और उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज वी आर द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इन द कंट्री बट ये हमेशा से नहीं था हम इतने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमेशा से नहीं थे इनफैक्ट इसी कंट्री की कहानी रही है जब दे वॉज अ टाइम वेन ऑलमोस्ट वी लॉस द लाइफ अराउंड टू टू थ्री मिलियन पीपल हु डाइड बिकॉज ऑफ फेमीन हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं थी दे वॉज टाइम वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज कि वह हमें फूड सप्लाई कर सकें बट वी डोंट स्टैंड देयर एनी मोर एंड इट इज दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू कवर और इसे आज के करंट अफेयर से रेलिवेंस बताते हैं दैट इज दालिया वीट ऑफ द गुजरात विच हैज गॉड द जी आई टैग इज नाउ गोइंग टू बी द प्राइम फैक्टर बिहाइंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स इन इंडिया नाउ लेटस अंडरस्टैंड कहानी शुरू कहाँ से होती है ना इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पी आई बी न्यूज आप देख सकते हैं वे द एक्सपोर्ट ऑफ जी आई सर्टिफाइड बालिया वीट फ्रॉम गुजरात इज गोइंग टू बिगेन अब इस बालिया वीट को जी आई सर्टिफिकेशन बहुत पहले से मिल चुका है अब यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं कि मैंने वो कहानी क्यों सुनाई और दूसरा जी आई सर्टिफिकेशन क्या होता है नॉट टू अंडरस्टैंड जी आई सर्टिफिकेशन दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन इट इज गिवन टू द एंटिटीज जिनकी स्पेशलिटी उनके एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल ऑरिजिन से आती है जैसे दार्जिलिंग टी जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था इसकी स्पेशलिटी बंगाल के होने से आती है सिमिलरली ऐसे बहुत सारी हैं कि आपने नाम से सुना होगा अरे वहां की कचौड़ी खाई है वहां के ये खाए हैं या फिर रसगुल्ले खाए हैं बंगाल के एंड फॉर दैट रीजन कोई चीज कहीं से पॉपुलर होती है एंड टू प्रमोट दैट ऑथेंटिसिटी और वहां की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद इनिशिएटिव दैट इज जीआई सर्टिफिकेशन कमोडिटीज को देने लगी अंडर द इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 एंड एवर सिंस देन हम जीआई सर्टिफिकेशन देते आ रहे हैं नॉट जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन अंडर इंटरनेशनल रूल्स ये कवर होता है दैट इज डब्ल्यू जो कि ट्रिप्स या फिर अदर आईपीआर प्रोविजंस को कवर करती है इट ऑल्सो कवर द जी आई सर्टिफिकेशन एंड टू बी टू बी फ्रेंक वे बिगेन वोज पैरिस कन्वेंशन जो सबसे पहले बहुत पुरानी हुई थी और तब से हम जी आई सर्टिफिकेशन देते आए हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दट इज बैकग्राउंड की वाई वाई टॉकिंग अबाउट द वीट एक्सपोर्ट अब वीट एक्सपोर्ट की कहानी वही पुरानी है जहां से मैंने आपको बताया ना दे वॉज वंस अ बेंगॉल फमीन विद स्ट्रक इन इंडिया टेकिंग द लाइफ ऑफ टू टू थ्री मिलियन इंडियंस और जब भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ठान रखी थी कि दिस इज अ हिस्ट्री वी आर नॉट रेडी टू रिपीट एंड देन ही मेड एग्रीकल्चर एज प्राइम फोकस ही फोकस्ड ऑन इरिगेशन ही फोकस ऑन डैम बिल्डिंग इनफैक्ट ही कॉल्ड द डैम्स एट द टेम्पल ऑफ इंडिया जहां से हमारा विकास होगा इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस वी स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्रेस इन वीट प्रोडक्शन तभी भी उतना नहीं था जितना हमें सेल्फ सफिशिएंसी के लिए चाहिए था टू दराउंड फूड इम्पोर्ट फोर एट जीरो प्रोग्राम हुआ करता था यूएस का जिसके तहत हम यूएस से इंपोर्ट लेते थे यूएस इट सेल्फ वॉज डूइंग इट अंडर द फूड फॉर पीस प्रोग्राम बट कहते हैं ना कि नियत इतनी साफ नहीं थी थ्रू दिस प्रोग्राम यू एस टेन टू कंट्रोल द कंट्रीज जिनको ये वीट प्रोवाइड कर रहा था एंड इंडिया वॉज वन ऑफ दैट नेशन जिसने फेमिन भी देख रखा था और कंट्रोल भी देख रखा था एंड देन केम द वॉर ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फाइव जहां हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़ा एंड यू एस ने पी एल फोर एट जीरो को इस्तेमाल करने की कोशिश की इट्स टू इंडिया स्टॉप द वॉर राइट नाउ अदरवाइज हम आपको फूड प्रोवाइड करना बंद कर देंगे बट वहां पे भारत की लगाम एक बहुत ही काबिल लीडर के हाथ में थी दैट इज लाल बहादुर शास्त्री एंड ही वॉज नॉट रेडी कि इंडिया इस तरीके से गिव अप करे स्टूड ऑन हिज ग्राउंड एट दैट टाइम एंड ही केम अप विद मोटो ऑफ जय जवान जय किसान जहां पे उन्होंने जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके हौसले को बढ़ाया और साथ में किसानों को बोला कि प्रोडक्शन पे ध्यान दो उन्होंने सेक्रीफाइस की भी मिसालें खड़ी कर दी वेन एट दैट टाइम ही स्टार्टेड ईटिंग फूड ओनली वंस इन अ डे और स्किपिंग मील्स इन अ डे इन आस्किंग द कंट्री मैन टू डू द सेम बिकॉज कंट्री थोड़ा कहीं अजीब ही रास्ते में जा रही थी बट देन वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग भी थे उन्होंने उस टाइम पे क्राइसिस को तो मैनेज किया इंडिया को विक्ट्री दिलाई भी एट सेम पॉइंट टाइम एक लंबे रेवल्यूशन के लिए ही ऑफ वाइट रेवल्यूशन एंड ग्रीन रेवल्यूशन जिसमें एक तरफ मिल्क बढ़ा दिया गया और दूसरी तरफ वीट और राइस की प्रोडक्शन इस कदर बढ़ाई गई कि हम वन ऑफ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं आज दुनिया में और अगर आप करंट स्टेटस देखेंगे तो जहां हम कभी फिफ्टी मिलियन टन जनरेट करते थे तो दिस इज द करेंट स्टैटिस्टिक्स अब वहीं हम 257 मिलियन टन जनरेट करते हैं फूड ग्रेन और इसमें अगर वीट की तादाद देखी जाए तो ये 15 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है और राइस 14 टाइम्स अब हम लीडर बन चुके हैं प्रोडक्शन में एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट टू द एक्सटेंट ये यूएस का डेटा है विच टॉक्स अबाउट कि इंडिया कहीं अगर बीच में हट भी गया था ना इट हैज केम बैक कि वन मिलियन टन से वन पॉइंट एट मिलियन टन इट इज एक्सपोर्टिंग दीज डेज और इतना लीडर बनने में इसने बहुत सारी मेहनत की है इफ दैट इज द केस मतलब कि इतना वी a गुड लीडर इवन एक्सपोर्ट में भी इतना हमने ऊंचाई हासिल की है तो इसमें किसका रोल सबसे ज्यादा रहा है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लीडर्स का भी रहा है जिन्होंने हमें एक विजन दिया फार्मर्स का भी रहा है जिन्होंने इस विजन पे चले थर्ड इज प्रेजेंट सकम स्टांसेस भी रहे अब प्रेजेंट सकम स्टांसेस क्या थे present circumstances कुछ ऐसे हैं अभी जो रीसेंट सकम स्टांसेस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन एक चाइना है पॉलिसी ऑफ स्टॉक पाइलिंग इट्स फूड ग्रीन जिसका रीजन अभी किसी को अच्छे से नहीं पता है बट इसका इम्पैक्ट जरूर पता है क्योंकि चाइना सप्लाई नहीं कर रहा है तो इंडिया एक्सपोर्टर बन चुका है At same point of a time country like russia has export duties upon the wheat jiski जिसकी वजह से wheat mehanga महंगा हो चुका है और wahi pe पे उस जगह को kar कर रहा है Similarly, Bangladesh, बांग्लादेश has become मेजर इंपोर्टिंग नेशन और इंडिया वहां पे भी अपनी कमी महसूस नहीं होने दे रहा और वहां उसको भी सप्लाई कर पा रहा है इन ऑल ऑफ दिस इंडिया में इट सेल्फ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है Because जब lockdown देखा गया, तो एक इकॉनमी थी जो इतनी इंपैक्ट नहीं हो रही थी वो एग्रीकल्चर था एंड दैट बिकेम द रीजन की एग्रीकल्चर में वापस लोगों का रुख आ चुका है दैट बिकेम द रीजन की हमारे एक्सपोर्ट बढ़ चुके हैं पर अगर कहानी इतनी सीधी होती तो शायद अब हम यहां ना होते

क्योंकि तो गवर्नमेंट पहले ही एमएसपी डिक्लेयर कर देती है मे बी वीट की प्राइस हमारे यहां 1.5 बिलियन 1.5 डॉलर चल रही हो अब इसकी वजह से क्या होगा तो हमारे फार्मर्स तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं बट एट सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम वो इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते बिकॉज वहां वो कंपीट नहीं कर पा रहे उस प्राइस से राइट सो एक रीजन ये भी है कि ये कंपीट नहीं कर पा रहे हैं दूसरा फैक्टर होता है गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कभी कभी एक्सेस प्रोक्योर करती है वे वेरियस कमिटी आर टॉकिंग अबाउट कि कहीं हमारा 35 से लेके 65 मिलियन टन के आसपास ही प्रोक्योरमेंट होना चाहिए वह हमारा 70, 80 उससे भी ज्यादा एक्सीड कर जाता है उसका रिजल्ट क्या होता है एक तो ये सारा वीट ग्रेन खराब होता है एंड सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम हम कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर पाते ज गवर्नमेंट प्रिक्योर कर रही है हायर प्राइस पे निकाल भी नहीं रही है तो मार्केट में तो आर्टिफिशियल डेफिशिय क्रिएट हो गई ना इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं बैकफायर कर रही है एंड दिस इज वे वी नीड टू वर्क अपन और साथ में एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि डिजायरेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ वीट इज इट रियली दैट डिजायरेबल बिकॉज बहुत पानी जाता है वीट को प्रोड्यूस करने में बिकॉज ऑफ विच वी हैव बिकम वर्चुअल एक्सपोर्टर ऑफ और दजार चार पांच के आसपास यूपीएससी ने भी ये सवाल पूछ रखा है सो इज इट रियली डिजायरेबल कि हम वीट को एक्सपोर्ट करें एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया इट सेल्फ और कहीं पर इन्मेंट एंड फार्मर इशू आ जाते हैं नॉट जस्ट दिस इसके बाद ओवरऑल ये तो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम थे वीट के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम फार्म टू फोक इश्यूज कहते हैं जहां पे फार्म इश्यूज आपके आते हैं वेरियस काइंड ऑफ इनपुट जैसे लैंड सबसे पहले चाहिए होता है जमीन पे ही तो खेती करोगे इन वन थर्ड ऑफ योर लैंड इज फ्रेगमेंटेड और अंडर गोइंग डिग्रेडेशन जो कि यूएनसीडी की रिपोर्ट साफ साफ कहती है साथ में कैपिटल नहीं है इंश्योरेंस नहीं है हार्डली ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ द फार्मर्स आर इंश्योर्ड बाय एनी लेबर जो अप्लाई हो रही है वो इतनी स्किलफुल नहीं है टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत कम है हार्डली ट्वेंटी परसेंट वेरियस डेटास ये कहते हैं तो पहली बात तो फार्म पे जो इनपुट होने चाहिए उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और दूसरा है फार्म जब फोक तक लेके जाते हैं दिस इज योर फार्म टू फोक यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं सबसे पहला सप्लाई तो जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है व्हीकल सपोर्ट नहीं है स्टोरेज सिस्टम नहीं है मतलब बहुत सारी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है एट सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम मार्केट में जब पहुंच भी जाते हैं तो मार्केट बहुत ही फ्रेगमेंटेड है फार्मर्स के लिए और यहां पे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल है एग्जाम्पल आप एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट ले लीजिए इकोनॉमिक सर्वे सेड कि एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट की वजह से फार्मर्स आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन स्टोरेज हाउसेस बिकॉज वो स्टोर करते आप होर्डिंग का एक्ट लगा देते हो और उनको जेल में डाल देते हो वेर स्टोरेज इज नेसेसरी फॉर प्रलिफरेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो भी नहीं हो पा रहा है सेकेंड इज एपीएमसी अभी इसमें चेंज किए गए हैं बट इसने क्या कर रखा है इसने फोर्स कर रखा है कि गवर्नमेंट या फार्मर्स एक पर्टिकुलर मंडी में जाके ही बेच सकते हैं या गवर्नमेंट कंट्रोल मंडी में ही जाके बेच सकते हैं और इन मंडी कंट्रोलर्स ने यहां पर कार्टल बना रखे हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को रियल प्राइस नहीं मिलती टू दी एक्सटेंट सिर्फ पच्चीस पच्चीस परसेंट ही उनको बेनिफिट होता है प्राइस में डिफरेंट थ्री हंड्रेड परसेंट तक पहुंच जाता है कभी गांव में जाके तरबूज खाना अक्सर पांच रुपए में भी मिल जाता है और यहां पे वही सत्तर रुपए में बिकता है इतना प्राइस में डिफरेंस आ जाता है जिसमें बहुत बड़ा रोल इन ईपीएमसी का है जो कि इन्हें कंट्रोल करती हैं नेक्स्ट इज एम एस पी इट सेल्फ एमएसपी ने कुछ पर्टिकुलर को ही प्रमोट किया है बाकी सब जो रेन फेड वेराइटीज है वो प्रमोट नहीं हो पा रही है साथ में सिर्फ कुछ ही फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है बाकी सब फार्मर्स को बेनिफिट नहीं हो पा रहा एंड दिस इज अ मेजर इशू जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी फूड प्रोसेसिंग भी इंपैक्ट होती है क्योंकि राइट right कॉस्ट पे रॉ मेटेरियल नहीं मिल रहा फूड प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट नहीं है दिस इज द प्रॉब्लम पार्ट दी डोट स्टॉप एट चैलेंजेस हम सजेशन देते हैं अब सजेशन इज वर्किंग ऑन एवरी की आस्पेक्ट दी है हमारे लिए न्यूज कितनी रेलिवेंट है दिस न्यूज इज वेरी रेलिवेंट एज आई टॉक्ट अबाउट पहली बात क्या डिजायरेबल है कि हम वीट इतना एक्सपोर्ट करें जब हम वर्चुअल वीट वॉटर एक्सपोर्टर बन जाते हैं वीट के साथ नो इट इज वेयर दिस वेरायटी ऑफ बी दैट इज बालिया वेराइटी ऑफ गुजरात जो कि गुजरात के बाल रीजन में मिलती है कम्स इन टू पिक्चर वेरी गुड वेराइटी इन सेंस की ये रेन फेड कंडीशन जहां पे पानी की कमी हो वहां पे भी ग्रो कर सकता है इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है और इसको जी आई भी मिल रखा है दैट मीन इसका टेस्ट बहुत अलग है तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ऑथेंटिसिटी और इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो फार्मर्स को प्राइस भी ज्यादा मिलता है तो एक तो आपके फार्मर को बेनिफिट हो रहा है इससे राइट दूसरा आपके एनवायरमेंट को बेनिफिट हो रहा है इससे और तीसरा फार्मर हो गया एनवायरमेंट हो गया और तीसरा आपकी इकोनोमी को इससे बहुत फायदा हो रहा है एंड दैट्स वाई दिस न्यूज इज वेरी रेलिवेंट जहां जी आई टेक पे भी सवाल आ सकता है और सवाल कुछ ऐसे भी बन सकता है, तो है इनोवेटिव सोल्यूशन क्या आ सकते हैं बट लेट जस्ट नॉट स्टॉप देयर और भी इश्यूज थे और उनपे भी काम करना बहुत जरूरी है जिसमें सबसे पहले था एमएसपी में एक फाइन बैलेंस लेकर आना आप फार्मर्स के इंटरेस्ट को तो प्रमोट करो साथ में एक्सपोर्टर को भी देखो एंड वाई टू सी फार्मर सिंपली एज यू नो कोई पैसे रिसेप्टर फार्मिंग कैन बी सीन एज एन एंट्रप्रिनोरियल एक्टिविटी जहां पे वो खुद एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो उस केस में ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए तो एमएसपी की प्राइस को बैलेंस करो एमएसपी स्पेशली इसकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस ऑफ वीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा बैलेंस लेकर आओ कि फार्मर को भी सिक्योरिटी मिल जाए और साथ में वीट का प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से ज्यादा ना हो जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सके एंड दिस इज इंपॉर्टेंट हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं ऑल्सो गवर्नमेंट को वीट सोर्स करना चाहिए यूपी बिहार जैसी स्टेट से एट लो प्राइसेस जिससे कि उनको निकाल सके कॉम्पिटेटिव प्राइस पे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी अदर चेंजेस दैट आर टू बी मेड प्रोडक्शन पे काम करना है प्रोसेसिंग पे काम करना है जहां पे जो इनपुट इश्यूज थे कि लैंड पे काम करो उनको कैपिटल सप्लाई करना है उनको लेटेस्ट वैराइटीज ऑफ सीड सप्लाई करो डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना चाहिए और साथ में जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पर प्रोसेसिंग होना चाहिए बिकॉज द मोमेंट इट इज प्रोसेस्ड उसकी प्राइस बढ़ जाती है और फार्मर का रिम्यूनरेशन बढ़ जाता है जैसे पटेटो ले लीजिए बहुत सस्ते जाते हैं लेकिन जब गुजरात की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने ग्रुप्जत पापड़ जैसे काम लेकर आए उन्हीं पटेटो और बाकी सब चीजों को मिला के प्रोसेस करके बेचने लगे तो अब उनकी आमंदनी बहुत बढ़ चुकी है इस तरीके पे काम करने की जरूरत है कि प्रोडक्शन पे भी ध्यान दो और प्रोसेसिंग पे भी ध्यान दो दूसरा डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दीजिए कि सिर्फ बीट पे मतलाय कीजिए बाकी सब क्रॉप्स को भी प्रमोट कीजिए especially rain fed crops when climate change is something that is knocking on every door and we have to think of future and thinking of future need to be very specific in terms of ki hame aise varieties like aani hai jo future mein sustain kar this is where yaha pe balia, varieties of jo rice hai, this is very important तरीके के इनोवेशन से आप अप स्पेसिफिकली अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं और वहीं पे इन्वायरमेंट में भी फोकस कर सकते हैं बैलेंस लेकर आ सकते हैं चेंज करने की जरूरत है फार्मिंग को एक पैसिव एक्सरसाइज की जैसे उसे एक एंट्रप्रियल एक्टिविटी देखने की जरूरत है जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ रही है और इस तरीके की एक्टिविटी से आप इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस लेकर आ सकते हो and if that is true, the entire segment was very informative and useful to you, then stay connected to us, like us, subscribe us, and stay connected to various of our channel. and if अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए। I'll prepare a short video on this. Thank you so much.